गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हैं पावर ऑन के ऑफिस में और मेरे साथ हैं अरविंद सर। मैं आपका दोस्त गौरवदीप शर्मा एक बार फिर दिल से स्वागत करता हूं बैटरी स्कूल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑल पावर ऑन जर्नी और पावर ऑन 18th में हम लोग नया क्या करने वाले हैं वो सब कुछ। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत लंबे समय के बाद आज आपसे अपॉइंटमेंट मिला कि हम लोग लाइव बैठ के 1-to-1 बात कर पा रहे हैं और ये मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत एक अच्छा मैसेज है। तो पहले तो प्लीज आप थोड़ा सा बताएं कैसे पावर ऑन की शुरुआत और क्या जर्नी आपकी रही है पूरी। पावर ऑन की शुरुआत बेसिकली फेडरेशन की स्थापना के लिए हुई। राइट। कलकत्ता के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे यशपाल सर जी, यशपाल कनौत्रा जी, उनका एक एम था, एक उनकी इच्छा थी कि नेशनल लेवल की एक संस्था होनी चाहिए जो बैटरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सके, उसको मूर्त रूप देने के लिए एग्जीबिशन की शुरुआत हुई, क्योंकि यही एक माध्यम था कि जिसके कारण लोग जुड़ सकते थे, आ सकते थे। तो इस तरह से पावर ऑन की शुरुआत हुई हैदराबाद से। जनवरी में पहला इवेंट था, बड़ा अच्छा खासा लोगों में उत्साह था, सबने मिलकर काम किया। इवन जो हैदराबाद एसोसिएशन थी उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा था, बॉम्बे के एसोसिएशन का बहुत बड़ा सहयोग रहा था। इवन पहला इवेंट हैदराबाद से शुरू हुआ, हैदराबाद से शुरू हुआ था और अभी 18वां इवेंट भी हैदराबाद में हो रहा है। ये अच्छी गुड न्यूज और कोइंसिडेंस भी है कि ये 18वां इवेंट भी हम लोग हैदराबाद में ही कंडक्ट कर रहे हैं। हाँ, और शुरुआत भी वहीं से हुई थी वो। तो इस तरह से करके फिर वहां से ये फेडरेशन की स्थापना हुई और ये पावर ऑन की शुरुआत हुई। फेडरेशन काम किस प्रारूप से करती है, क्योंकि जो व्यूअर्स नए हैं, जो लोग नया काम शुरू किया है, तो उनको शायद फेडरेशन की डेप्थ नहीं पता है कि कैसे फेडरेशन हमें हेल्प कर रही है इनडायरेक्ट वे में। फेडरेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस का है। राइट। भारत के जितने भी बैटरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, स्टेट लेवल के एसोसिएशन है, वो उसकी मेंबर है। राइट। और उसपे जितने मेंबर्स हैं वो फेडरेशन के मेंबर्स अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे में। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो हम लोग जितने भी ये फेडरेशन काम कर रही है वो सेंट्रल लेवल पे जो भी स्कीम्स हैं, जो भी जरूरत है या फिर उनको जो परेशानी आ रही है उसको मैक्रो लेवल पे किस तरह से हल करना है, मतलब गवर्नमेंट के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करना है या इंटरनेशनली कोई परेशानी आ रही है तो उसको क्या करना है, वो सारी चीजें लुक आफ्टर करते हैं फेडरेशन। इसके बीच में जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट्स होती हैं उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए वो पावर ऑन के माध्यम से करते हैं। तो अच्छा, इसको अगर थोड़ा समअप करके मैं समझ पाऊं या आपको समझा पाऊं तो कुछ ऐसा हुआ कि एक पर्दे के पीछे एक गॉडफादर बैटरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, गॉडफादर ना कहो, हाँ बड़ा शब्द हो जाएगा पर एग्जैक्टली फेडरेशन कुछ ऐसा काम कर रही है कि जो चीजें गवर्नमेंट लेवल पे हमें लुक आफ्टर करनी होती है और हम नहीं कर पा रहे होते, तो फेडरेशन वहां काम कर रही होती है। और साथ ही जो कॉन्फ्रेंसेस हम लोग करते हैं आई थिंक, हाँ, वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस होती है जो पॉलिसी मेकिंग की होती है, मैं गलत हूं? हाँ, सर बिल्कुल, जो बेसिक लेवल और जो पॉलिसी मेकर डिसीजंस जो होते हैं वो वही होते हैं कि हमें इंडस्ट्री के लिए क्या चीज चाहिए और उसको सेंट्रल लेवल से उसको कैसे निकालना, कैसे अप्रूव कराना, कैसे अप्रूव कराना है, कैसे करना है। बहुत सारी दिक्कतें हुई जीएसटी को लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से हम लोग मिले। जी जी जी। इसके अलावा जितने भी एमएसएमई के लिए जो सुविधाएं होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है। तो इस तरह से अच्छा, गवर्नमेंट के अंदर इंडिविजुअल की तो सुनवाई होती नहीं होती, बिल्कुल संस्था ही चाहिए और वो संस्था सिर्फ एक फेडरेशन है। तो यहाँ फेडरेशन फिजबा, फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल बैटरी इंडस्ट्री जो हमारा है फिजबा, वो बेसिकली ऑल ओवर द इंडिया एसोसिएशन लेवल पे काम कर रहा है। और अगर आप लोग अभी इंडस्ट्री में नए हो तो आपको फेडरेशन से जुड़ने के लिए लोकल एसोसिएशन से भी जुड़ सकते हो, फेडरेशन से डायरेक्टली भी आप मेंबरशिप यहां से ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पावर ऑन इवेंट में आते हो या कॉन्फ्रेंस इवेंट को ज्वाइन करते हो तो वहां आपको ऐसे नंबर ऑफ लोग वहां मिलते हैं। अगर हम समझें कि हम पावर ऑन के किसी भी इवेंट पे अगर जाते हैं या कॉन्फ्रेंस को हम अगर अटेंड करते हैं तो वहां पर हमें मिलता क्या है एग्जैक्टली? वहां वो लोग आते हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो पॉलिसी मेकर्स के साथ डील कर रहे हैं,
तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी इंडस्ट्री में नए हो या इंडस्ट्री को समझना चाहते हो, तो कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस अगर आपको पावर ऑन सर्व करता है, जैसे कि अब आने वाले इवेंट में आई थिंक जनवरी में भी, हाँ जनवरी 9 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है, हाँ, और उसके बाद 10-11-12 को एग्जीबिशन है, तो यहाँ एक मैसेज भी आपको थ्रो होता है कि हैदराबाद में ये इवेंट हो रहा है पावर ऑन, और 8 तारीख को ये पावर ऑन का कॉन्फ्रेंस रहेगा, 9 तारीख को कॉन्फ्रेंस रहेगा, 10-11-12 में वहां पर शोकेस इवेंट रहेगा पावर ऑन का, जिसमें ऑल ओवर द इंडिया से लोग आएंगे। और इस बार ही पावर ऑन में हम स्पेसिफिक क्या करने वाले हैं? स्पेसिफिक हमारा जो फोकस है इस बार वो एक तो एक्सपोर्ट परमिशन एक्टिविटीज के ऊपर है कि हमारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स की तरफ कैसे आगे बढ़े, और इसके अलावा जो टू व्हीलर्स का मार्केट है, राइट, उसमें लिथियम के ऊपर ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, लेकिन हमारा कोशिश ये है कि इसमें ईवीज की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग देश में कैसे आगे बढ़े, बिल्कुल वो उसके ऊपर हाईलाइट रहेगा, उस पर हाईलाइट रहेगा। उसके लिए कई सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स वहां पर होंगे, अमरान कांदार जी होंगे जो ल्यूमिनस के हैं, इसके अलावा कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स भी हैं जो मेरे ख्याल से चाइना से तो इस बार कोई नहीं आ पा रहा क्योंकि गवर्नमेंट वीजा ही नहीं दे रही उनको, लेकिन इंडियन एक्सपर्ट्स काफी अच्छे खासे होंगे वहां पे, कई बड़े नाम है जो प्रॉपर गाइड कर सकेंगे कि इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज की जरूरत होती है, किस तरह से करना है, या एक्सपोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, आपको मार्केट कैसे जाना है, किस तरह से देखना है, क्या क्या चीजें करनी है। हमने कुछ मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया वहां पर, ये बहुत अच्छा हाँ, रहेगा कि वो, हाँ क्योंकि प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान होता है, मार्केट करने में थोड़ा सा दिक्कत, हाँ उसके लिए हमने एक बड़े अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट है जो लोग कई बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं और अब एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं, तो वहाँ वो SMEs को गाइड करने के लिए होंगे SME के तरीके से कि उनको कैसे करना चाहिए। और तो ये वाला फैक्टर इस बार हमने देखा है कि भाई हमारे जो स्मॉल स्केलर है वो सेल कैसे करें और अच्छी चीज कैसे बनाए उसके लिए, तो हाँ इससे जुड़ी जो और सर्विसेज हैं वो भी हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। एक एक्सपर्ट पैनल भी है राइट जो अवेलेबल रहता है, हाँ रहता है, हाँ टेक्निकल इसके लिए। और अच्छा, अभी जैसे आपने हाँ, कहा कि हम लोग स्टेट लेवल पे अब शुरू करेंगे, जी जी बिल्कुल, तो वो एक अच्छा आइडिया है, वहां तक हम पहुंचेंगे। इसमें एक चीज मैं यहाँ और एड ऑन कर दूंगा कि जो एक ई डायरेक्टरी का पैनल है वहां पर एक एक्सपर्ट पैनल ऑलरेडी है, कोई क्वेरी अगर आपके पास है, कुछ आप पूछना चाहते हो किसी एक्सपर्ट से, तो वहां कोई चार्ज नहीं है, आप इंडिविजुअली जाइए अपना क्वेश्चन पुट अप कीजिए, वहां नंबर ऑफ आंसर्स आपके पास आ जाते हैं। हाँ ऐसे ही कुछ वर्किंग ऐसे ही है वहां पे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल रहता है, हाँ। तो आप अपना क्वेश्चन आप पुट अप करो और आपको जवाब मिलेगा वहां पर। दिक्कत पता क्या है? दिक्कत है वो बैरियर जो अभी तक आप स्विच नहीं कर पा रहे हो। फेडरेशन अपने लेवल पे काम कर रही है, पावर ऑन अपने लेवल पे काम कर रही है, हम वहां जुड़ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए शायद ये वीडियो आज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ रखेंगे इस फोरम पे, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। और दूसरी बात मैं यहाँ एक आपके तरफ से सर से बोलना चाहूंगा कि लैंग्वेज बैरियर का हमारा इशू रहता है कि मैक्सिमम जो हिंदी भाषी है उनके लिए हमको कैसे एड्रेस करें, कैसे वो लोग जुड़ पाए, क्योंकि एक फेयर है, मतलब बीच में जो डर है कि हाँ मैं जाऊंगा तो शायद एक लैंग्वेज का इशू रहेगा, तो उसको थोड़ा सा प्लीज आप एड्रेस करें। तो नहीं, इस बार इसको हम लोग हिंदी भाषा में ही रखेंगे। वेरी नाइस सर। और हालांकि हमारी कोशिश ये रहती है कि वो मिक्स लैंग्वेज रहे, हाँ वो ज्यादा बेटर है, बिल्कुल। कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हिंदी में समझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो इंग्लिश में ही आते हैं, लेकिन इस बार हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि इसको हिंदी भाषा में। मेरे परिवार के लोग 6,000 या 7,000 लोग जो भी हैं, तो उन सब लोगों को एक फॉरवर्ड मैसेज है जो मेरे से पूछते हैं कि लैंग्वेज बैरियर कैसे खत्म होगा, तो इस बार फेडरेशन या पावर ऑन अपने कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी इस मैसेज को आपको दे रही है कि आप आइए जुड़िए, और जुड़ने से ये जो लैंग्वेज बैरियर का इशू है इसको आप रिजॉल्व कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात हिंदी में, यानी कि आप ही की भाषा में आप ही को समझाने के लिए वहां पर कंसल्टेंट और जो स्पेशलिस्ट होंगे वहां पे वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे। हाँ वो हिंदी में रहेगा और
बाकी तो सब जो बेसिक चीजें थी हमने पावर ऑन को लेकर डिस्कस की, पावर ऑन की जर्नी आपको हमने बताई। मिलेंगे जल्दी ही अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और पावर ऑन के इस इवेंट को मिस मत करिएगा क्योंकि ये आपकी बैटरी जर्नी को नेक्स्ट फेज में लेके जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। डिस्टर्ब कर।